दीपक में से तेल बटोर करके अपने रसोई में छौंकने का प्रयास कर रही जनता, कितनी बेशर्म सरकार है, दिया जलाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने हमारे देश को पूरी तरह से महंगाई में झोंक करके जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है, तो गरीबों के पास भी दीपक में तेल जलाने भर के है पैसा कि नहीं है। सरकार ने 12 लाख दिए जलाए, सुबह जब खबर आती है कि उन दियों में कुछ लोग तेल ढूंढने का काम करते रहे, जो गरीब थे वो दियों को इकट्ठा करने का काम करते रहे। सर स्थिति बताइए, क्या क्या सरकार को इसका देखना नहीं चाहिए कि लोगों को जहाँ जरूरतें ज्यादा थी, लोगों की भुखमरी ज्यादा थी, उनको पहले वो चीज देखनी थी या दिए जाए जरूरी थे? देखिए यही तो दुर्भाग्य है जी। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि जब मूर्ख लोगों का शासन हो जाता है तो यही सब अनाप शनाप काम होते हैं। किसी भी शास्त्र में हमारे नहीं लिखा है कि 12 लाख दिया जलाई जाए तभी कोई खुशी मनाई जा सकती है। हम एक दीपक से, 10 दीपक से, 50 दीपक से भी अपना काम चला सकते हैं। 12 लाख दिया जलाने की क्या जरूरत? हमें तो ये भी देखना चाहिए कि हम दीपक में तेल जला रहे हैं तो गरीबों के पास भी दीपक में तेल जलाने भर के है पैसा कि नहीं है। आप 250 रुपया तेल कर दिए, अब बताओ कि इतनी भुखमरी आ गई है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया के सामने बात गई, अभी कई इंटरनेशनल मीडिया राष्ट्रीय चैनल ने उसको उठाया कि वहाँ पर गरीब लोग जो है कि वो दिया जलाए, और कितनी बेशर्म सरकार है, दिया जलाई, दिया की माने कि जो उसमें तेल था, दिया जलना चाहिए ऐसा कि तेल खत्म हो जाना चाहिए ना, अब दिया 12 लाख दिया जलाए और उस तेल उसी में रह गया, आनंद फानंद में ये तो दिखाना चाहते थे मैंने 12 लाख दिया कि अब ये बहुत बड़ा विश्व का आप कीर्तिमान स्थापित करना है। क्या उत्तर प्रदेश का हालात बहुत खराब है, किसी छुपी नहीं है भुखमरी उत्तर प्रदेश में, सारे देश की अलग और उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय है, ऐसे में 12 लाख दिया जलाना कितना उचित था? देखिए जी, उत्तर प्रदेश को तो ये लोगों ने बर्बाद कर दिया जी। उत्तर प्रदेश अभी आप दिल्ली के शहरों में जाइए, मेट्रो पे जाइए, कहीं भी जाइए तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का सबसे स्मार्ट प्रदेश बन गया है, जबकि पूरी देख रहे हैं दीपक के तेल लोग लूट रहे हैं। यही इनका जो है कि सच्चाई है कि दीपक में से तेल बटोर करके अपने रसोई में छौंकने का प्रयास कर रही जनता, और भुखमरी है लोगों के पास। दिवाली के दिन जानते हैं इनको क्या पता, हमारे अभी तो हम लोग आजमगढ़ गए थे जी, कि एक व्यक्ति ऐसा था बेचारा, जानते क्या किया कि दिवाली के दिन जब उसके घर पे कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बच्चे परेशान थे, वो अपने घर पे धान काटा, ला के सटका, सटक के बाजार गया, बाजार जाने के बाद भी उसका 1200 रुपया कुंटल, 3 दिन बेचारा मेहनत किया कि अपने बच्चों को पटाखा लेंगे, अपने बच्चों को मिठाइयाँ लेके जाएंगे, इसके लिए गया, जब 1 कुंटल धान लेने के ले करके तो बाजार वाले 1200 रुपया कुंटल धान बेच करके, जबकि सरकार मोदी जी कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, 1200 रुपये कुंटल में 1 कुंटल धान बेचा बेचारा, तब जाके मिठाई पटाखा लेके आया घर पे दिवाली मनाने के लिए। तो किसानों को तो बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने हमारे देश को पूरी तरह से महंगाई में झोंक करके जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है, और ऐसा सरकार का काम है मानव कल्याण करना। इसीलिए हम जो है टैक्स देते हैं, इसीलिए हम डीजल पेट्रोल से लेकर के जितने भी अभी जानते हैं 1 लाख करोड़ GST से जा रहा है एक महीने में, तरह तरह की जो हम टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को उस पर प्रत्यक्ष रूप से पैसा देते हैं टैक्स के रूप में। तो जब हम टैक्स देते हैं तो सरकार की परम जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कल्याण के लिए काम करे। अभी जानते हैं डीजल भी आवश्यक वस्तु में आता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी आवश्यक वस्तु में आता है, और आवश्यक वस्तुएं में जो आती हैं चीज़ें उस पर टैक्स लगाने का, उसको लाभ के पद में जोड़ने का कोई राइट नहीं इनको है, लेकिन इन्होंने उस पर लाभ का पद... सर आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़े तो ये आ रहे हैं कि 48,000 करोड़ का फायदा हुआ है पिछले 6 महीने में पेट्रोलियम और इन खाद्य पदार्थों की चीज़ों पर महंगाई बढ़ाने से। क्या लगता है सरकार अपना फायदा सोच रही, गरीबों को पीस रही है? देखिए 48,000 करोड़ 6 महीने में, पिछले 6 महीने में 48,000 करोड़ रुपया जो हमारे डीजल पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं गया जो है, तो इसीलिए गया कि आप उसको मलाई काटो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।